नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। सीबीएसई से लेकर एसएससी और तमाम शिक्षण संस्थानों में जो हो रहा है वो सिर्फ हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं सीबीएसई का पेपर लीक हो जाता है तो कहीं एसएससी में घपला हो रहा है। आप ही बताइए, ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? इंडिया में इन दिनों हर तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं। हर वर्ग प्रदर्शन कर रहा है, एसएससी हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर हर जगह सवाल उठ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, अध्यापक नकल करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता किसी को भी नहीं है। अधिकारी लापरवाही करने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, चलो बच्चों स्कूल चले, स्कूल में करेंगे पढ़ाई, अध्यापक बनाएंगे हमारा भविष्य, लेकिन अधिकारी क्या करेंगे जानते हो? पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, नकल कराएंगे, नकल कराएंगे, नकल कराएंगे। सीबीएसई हो या फिर एचबीएससी, एसएससी हो या फिर एचएसएससी, लेकिन पेपर लीक होंगे साहब। बच्चे करेंगे तैयारी, पेपरों से पहले दिन को रात और रात को दिन भी कर देते हैं, लेकिन करते हैं पूरी तैयारी। उच्च अधिकारियों के क्या कहने, वो इतने लापरवाह हैं कि पेपर लीक करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। अब ये तो भगवान ही जाने कि वो पेपर खुद लीक करते हैं या फिर लीक अनजाने में हो जाते हैं, या पैसे लेते हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए ही ये सब करते हैं। और बात करें नकल की, तो हरियाणा इसमें भी नंबर वन है। आपने क्या सोचा, हरियाणा पिछड़ जाएगा? नहीं, गलत सोचा आपने, नंबर वन पर है हरियाणा। पेपर लीक हो, नकल हो या डेटा हो, इसमें भी नंबर वन पर है हरियाणा। हरियाणा के पास अलग अलग रिकॉर्ड है, जैसे एक दिन में 500 से ज्यादा नकल कराने वालों को काबू करना। हरियाणा है ये साहब, बीजेपी का क्या वादा था, अब की बार बीजेपी सरकार। नहीं साहब, लगता है आपने गलत सुना, अब की बार बीजेपी सरकार नहीं, अब की बार लीकेज सरकार होना चाहिए। पेपर कोई भी हो, प्रदर्शन करते हुए आप सभी बच्चों को देख सकते हैं, चाहे वो एसएससी के बच्चे हो या फिर सीबीएसई के। सभी रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी नारेबाजी कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। वो जानते हैं कि उन्होंने एक साल कैसे पढ़ाई की है, एक साल कैसे पेपरों की तैयारी की है, लेकिन आपके अधिकारियों का क्या जाता है? लापरवाही इतनी करते हैं कि पेपर लीक होने में पता ही नहीं चलता। क्या ऐसे बढ़ेगा इंडिया या फिर ऐसे पढ़ेगा इंडिया? बता दीजिए साहब, आप ही बता दीजिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर हाल तो बहुत ही बुरा है, नकल का मामला हो, डेटा लीक हो या फिर पेपर लीक का मामला, लेकिन बीजेपी में हाल बुरे ही हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एसएससी की परीक्षा देने वाले सभी छात्र सड़कों पर हैं, क्योंकि उन्होंने एक साल पेपर की तैयारी की, लेकिन हुआ क्या, नकल के मामले में भी हाल ही में हरियाणा में एक ही दिन में 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो लापरवाही सामने आ रही है, इसे लेकर सरकार भी क्या कहेगी? बस यही कि पेपर दोबारा होंगे, जांच करवाई जाएगी, और पेपर लीक होने में बच्चों का क्या कसूर? बताइए साहब, इन बच्चों का क्या कसूर? स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो सीबीएसई पेपर लीक के खिलाफ अलग अलग जिलों में छात्र और अभिभावक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने चेयरमैन के इस्तीफे की मांग के साथ कहा कि सीबीएसई की गलती की सजा सभी छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए। वहीं कुछ जगहों पर छात्र दोबारा से पेपर करवाने की मांग कर रहे हैं, और वहीं इसके लिए सभी सीबीएसई को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, सीबीएसई के पेपर लीक हुए तो पूरे देश में हंगामा हो गया, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। बच्चों का आंदोलन देखते ही देखते बिहार, झारखंड वाया हरियाणा दिल्ली जा पहुंचा। छात्र छात्राएं जंतर मंतर पर इकट्ठे हो गए।
एबीवीपी सीबीएसई के दफ्तर पर हंगामा करने लगा। चारों तरफ से आवाज उठने लगी कि सीबीएसई की चेयरपर्सन पर कार्रवाई की जाए। बच्चों के भविष्य से अगर खिलवाड़ हुआ है तो सजा का हकदार भी कोई होगा। बात सिर्फ पेपर लीक भर की नहीं है, बात है बच्चों के भविष्य की, बात है सीबीएसई की विश्वसनीयता की। सवाल या निशान है शिक्षा विभाग पर, धब्बा है शिक्षा मंत्रालय पर और बदनुमा दाग है सरकार के माथे पर। सरकार को बताना चाहिए कि आपकी नाक के नीचे ऐसे खेल खेले जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय को बताना चाहिए कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। और लाखों की फीस वसूलने वाले सीबीएसई को बताना चाहिए उस पर क्यों विश्वास किया जाए। हालांकि सरकार अब कुंभकर्णी नींद से थोड़ा जगी है, प्रशासन ने भी कुछ मुस्तैदी दिखाई है। पता चला है कि बिहार से पेपर लीक हुआ था और एक दिन पहले बच्चे बच्चे के व्हाट्सएप पर घूम रहा था, जिसके लिए दो छात्रों को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के चतरा से कोचिंग संचालक के अलावा 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली में जगह जगह छापेमारी हुई है। इंटर करने के उपरांत फोटो लेकर उनको इन लोगों को ट्रांसमिट किया, उसके बाद आंसर पेपर्स शौचालय में उपलब्ध कराए गए। लेकिन सेकेंड पॉइंट जहाँ तक मैथ्स के पेपर की बात है, तो मैथ्स पेपर का जो 28 को निर्धारित था उसका क्वेश्चन पेपर 27 मार्च को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में उसका हस्त लिखित क्वेश्चंस उपलब्ध हो गए थी एक छात्र को यहाँ चतरा में। उन्होंने यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर इसके आंसर पुस्तिका पूरी तैयार की, उसके बाद इसकी मदद से कुछ छात्रों ने कदाचार किया, स्वयं भी किया और कुछ और लोगों ने। तो इसमें दो तरह के मोडस ऑपरेंडी सामने आए। इसके तहत अनुसंधान के दौरान कुल 12 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें से 3 अरेस्ट किए गए, जो 2 डायरेक्टर्स थे एकेडमी के और एक टीचर, और 9 जो छात्र थे इनको जुवेनाइल जस्टिस के नियमों के तहत डिटेन करने के उपरांत तो इनको गेजेट बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन क्या ये असली गुनहगार है? पेपर कैसे लीक हुआ? कितनी बड़ी मछलियाँ इसमें शामिल है? सीबीएसई के वो कौन लोग हैं जो इस गोरख धंधे में शामिल है? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब सरकार और प्रशासन के साथ साथ सीबीएसई को भी जल्द तलाशने होंगे। वरना छात्र अभी सड़कों पर हैं और उनकी ताकत का अंदाजा शायद सरकार को नहीं है। हालांकि अब लीक हुए 12वीं के अर्थशास्त्र का पेपर 25 अप्रैल को दोबारा होगा और 10वीं के लीक हुए गणित के पेपर की तारीख का ऐलान भी जल्द होगा। लेकिन अभी तक जो छात्रों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से शिक्षण संस्थानों में उसका दखल बेतहाशा बढ़ा है। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज की बात हो या स्कूलों में पाठ्यक्रम बदलने का सिलसिला, विवाद कभी थमा ही नहीं। शायद इसी अस्थिरता ने दलाल को और ज्यादा सक्रिय कर दिया। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री को एचआरडी मंत्रालय में बड़ा फेरबदल भी करना पड़ा और स्मृति ईरानी को हटाकर प्रकाश जावड़ेकर को लाया गया था, लेकिन हालात जस के तस। बल्कि जावड़ेकर साहब के वक्त में तो और बड़ा कांड हो गया है। अब मंत्रालय को जवाब नहीं सूझ रहा है क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में एक लंबे अरसे तक सीबीएसई के चेयरपर्सन की कुर्सी खाली पड़ी रही थी। फिर जब नई अध्यक्ष अनीता करवाल को लाया गया तो सरकार पर आरोप लगे कि वो अपने करीबियों को पदों पर बैठा रही है। शायद यही वजह है कि अभी तक सीबीएसई अध्यक्ष की कुर्सी बची है, वरना कुर्सी पर बैठे रहने लायक तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो पूरे मामले पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। दोबारा पेपर कैंसिल करवाने के लिए आए हैं, ये डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है एचआरडी की तरफ से कि हम पेपर दोबारा क्यों दें। हमने क्या किसी का कुछ बिगाड़ा है जो हम पेपर बाबा देते रहे, उनसे कुछ होता नहीं है तो हम पे नाम थोप देंगे, पेपर देते रहते हैं, हम पागल हैं क्या? दिन रात तीन बजे तक पढ़े, 19 तारीख को लॉ का एंट्रेंस है, अब मैं पेपर का पढ़ूंगा लॉ का पढ़ूंगा। पूरे साल की मैंने 2 मिनट में पानी कर दी कैंसिल करके। इनके बच्चे तो पढ़ के निकल गए, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, इनके बच्चे तो पढ़ के निकल गए, इनके बच्चे अपनी जैक लगा के लग जाते सरकारी ऑफिसर, हमारे लग जाते हैं यहाँ पे।
सर पेपर दोबारा लिया जा रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ है सारे बच्चे। सर पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए, 19 तारीख को लॉ का पेपर है। सर किसकी तैयारी करें आप ही बताइए, ये बहुत गलत है। सीबीएसई हाय हाय के 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होना ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इसके ऊपर जिस प्रकार से कैलस एटीट्यूड है इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन लीक नहीं होना चाहिए। इसके लिए सीबीएसई और एचआरडी मिनिस्ट्री को एक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया है, लाखों विद्यार्थी और करोड़ों अभिभावक परेशान घूम रहे हैं और पूरी सरकार सीबीएसई के मुखिया को बचाने में लगी है। सिर्फ अकेले जावड़ेकर जी भी नहीं है इस पूरे काम में, पूर्व शिक्षा मंत्री मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी है और जिस चीज़ के साथ स्मृति ईरानी जुट जाएं वहां लगता है कि कैबिनेट भी बेबस हो जाता है। देखिए बहुत गंभीर घटना है, इसलिए मेरा मानना है कि इसकी बहुत जल्दी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं और सीबीएसई चीफ को तुरंत इंक्वायरी की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड कर देना चाहिए। सीबीएसई के पर्चा लीक होने की वजह से जो पर्चे लीक हुए हैं उनका फिर से इम्तहान होना तो ज़रूरी है। और एक फॉर्मर टीचर के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसका रीएग्जामिनेशन तो होगा ही, इससे विद्यार्थियों को थोड़ा तकलीफ पहुँचेगी ज़रूर, लेकिन उनको ये मान लेना चाहिए। लेकिन जो लोग इस पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी। इतने सारे लाखों बच्चे और उनके माता पिता परेशान हैं आज, और आप कहिए कि साहब कोई जिम्मेदार है ही नहीं। सरकार को जो दोषी हैं उनको चिन्हित करके दंडित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आइंदा आगे ऐसी चीजें ना हो। वहीं दिल्ली की सड़कों पर एसएससी स्कैम को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि एसएससी में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, उन्हें ठोस आश्वासन दिया जाए। छात्रों का यह भी कहना है कि उन्हें आश्वासन तो दे दिया गया था लेकिन उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए। छात्र 27 फरवरी से एसएससी कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। इस रिपोर्ट में देखिए। देश का भविष्य ही सड़कों पर है। छात्र ही सड़कों पर है, पेपरों में धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बात कर रहे हैं हम एसएससी की यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। एसएससी के पेपर में हुई धांधली को लेकर पूरे देश भर के छात्र छात्राएं दिल्ली के संसद पर इकट्ठा हुए और मांग करने लगे कि पेपर में जो धांधली हुई है उसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए। इसे लेकर ही छात्र प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस वालों ने छात्रों पर डंडे बरसाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। 27 फरवरी से छात्र लगातार एसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं छात्र आर पार की लड़ाई के मोड़ में आ गए हैं। छात्रों की मांग है कि सीबीआई इस धांधली की अच्छी तरह से जांच करे। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि उन्हें जांच का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हजारों की संख्या में छात्रों ने अलग अलग मांगों को लेकर संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों ने दिल्ली के जनपद से लेकर कनॉट प्लेस तक सड़क जाम कर दी लेकिन पुलिस ने छात्रों को जनपद से खदेड़ दिया। हालांकि कनॉट प्लेस पर अभी भी भारी मात्रा में छात्र मौजूद हैं। हमारे जो एसएससी जो परीक्षा ले रही है उसमें भ्रष्टाचार खत्म हो, पैसे देकर जो लैब वाला जो सरकार की ओर साजिश होती है उसको खत्म करो और निष्पक्ष तरीके से नौकरी दीजिए। छात्र अभी भी आर पार के मूड में है। उनका कहना है कि सीबीआई इस मामले की पूरी तरह से जांच करे। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के बीच कुछ पुलिस अधिकारियों ने मंच पर जाना चाहा लेकिन नीचे बैठे छात्रों ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। साथ ही छात्रों का कहना है कि उन्हें आश्वासन तो दिया गया था लेकिन लिखित में नहीं था, उन्हें ठोस आश्वासन चाहिए।
स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। अब बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में भी शिक्षा को लेकर बुरा हाल है। शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा सरकार नकल को रोकने के कितने भी दावे कर ले, कितने भी वादे कर ले, लेकिन अध्यापक खुद ही नकल करवा रहे हैं। और वहीं कई जगह से मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि अध्यापक नकल करवा रहे होते हैं और जब बच्चों ने इसका विरोध किया तो बच्चों को ही क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार का नारा है बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सरकारें कितने बड़े बड़े दावे करती है, वायदे करती है। गरीब बच्चों को स्कूल में ही फ्री शिक्षा, फ्री कपड़े, फ्री जूते और खाने के लिए खाना भी मिलता है। बच्चे पूरा साल पढ़ाई भी करते हैं लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं। बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, यहाँ भी एक तो नकल के मामले और दूसरा पेपर लीकेज के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में भी 9वीं कक्षा के सारे पेपर रद्द किए गए थे और फिर 11वीं का हिंदी का पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षाएं दोबारा हुई थी। और 12वीं कक्षा का भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर लीक हुआ था क्योंकि उसमें भी ए बी सी डी कोड बाहर से आए थे, जिससे हरियाणा सरकार पर बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पेपरों को नकल रहित करवाने के लिए कितने भी सीसीटीवी लगवा ले, कितने भी वादे कर ले, लेकिन जब तक अधिकारी खुद ही सतर्क नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं को निष्पक्ष और नकल रहित बनाने के कड़े आदेश दिए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके भी नकलबाज ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि पेपर समय से पहले लीक हो जाता है और अपने चहेते परीक्षार्थियों को नकल कराने के जुगाड़ किए जाते हैं। वहीं जब परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो वो मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं और कुछ अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि मामले की जांच की जाएगी। इतने पुख्ता इंतजाम होने के बाद भी और धारा 144 लगी होने के बाद भी बच्चों को नकल कैसे कराई जाती है, कैसे स्कूलों के बाहर नकल करवाने के लिए चहेते रहते हैं। नकल कराने वालों को ना ही पुलिस का डर होता है और ना ही किसी और का, उन्हें तो बस ये होता है कि हमारे चहेते पास हो जाए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो इतनी बड़ी लापरवाही पर क्या कुछ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।